वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। देश के अंदर जब सरकारी बाबू चुनकर आते हैं तो ये कहा जाता है कि वो देश की आम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन ये जैसे ही सरकारी बाबू बनते हैं तमाम संविधान की वो बातें भूल जाते हैं जिसमें ये कहा होता है कि वो जनता के खातिर सेवा करने के लिए है। लेकिन आजकल एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिसमें एक आईएएस अधिकारी वो बातें कर रहा है, वो काम कर रहा है जो आप सुन लेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक आईएएस अधिकारी इस तरीके से करते हैं। जी हां, ये आईएएस अधिकारी इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर में काम करते हैं। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि ये आईएएस अधिकारी जो है इसके ऊपर अब एक्शन होता दिख रहा है और सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। क्या नियमों में बदलाव किया गया है वो भी बताएंगे आपको। साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान त्यागराज स्टेडियम का निर्माण हुआ। यहां पर कई खेलों से संबंधित एथलीट प्रशिक्षण लेते हैं। यह स्टेडियम दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। पिछले कुछ महीनों से कोच और एथलीट इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उन्हें शाम 7 बजे तक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के प्रधान सचिव संजीव खिरवार शाम के 7 बजे के बाद आधा घंटे तक अपने कुत्ते के साथ स्टेडियम में टहलते हैं, और जब वो अपने कुत्ते के साथ टहलते हैं तो सभी प्रशिक्षण ले रहे तमाम एथलीटों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक त्यागराज स्टेडियम के कोच ने कहा कि हम इससे पहले 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब हमें 7 बजे तक मैदान छोड़ने के लिए कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते को मैदान पर टहला सके। हमारे प्रशिक्षण और अभ्यास की दिनचर्या बाधित हो गई है। वहीं जब इस मामले में आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार से संपर्क किया गया तो उन्होंने इन आरोपों को झूठा करार दिया। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो कभी कभी डॉगी के साथ वहां जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल करके आ रही है, जो तस्वीर पत्रकार फोटोग्राफरों ने निकाली है, वो और उस तस्वीर की सच्चाई आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, और स्टेडियम में ये पूरे स्टेडियम में अकेले अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ टहल रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस में बाधा की बात को इनकार कर दिया है। आईएएस अधिकारी सफेद झूठ भी बोलते हैं और वो आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा भी लगा सकते हैं। जब इस मामले में स्टेडियम के अधिकारी अजीत चौधरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि स्टेडियम में एथलीटों के प्रशिक्षण और अभ्यास का समय शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है, लेकिन गर्मी की वजह से वो एथलीटों को 7 बजे तक ट्रेनिंग की अनुमति देते हैं। हालांकि चौधरी ने समय को लेकर किसी आधिकारिक रिकॉर्ड का साझा नहीं किया। उन्होंने कहा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी शाम 7 बजे के बाद सुविधा का उपयोग कर रहा है, और ये अगर जानते भी होंगे तो बताएंगे क्यों, क्योंकि अधिकारी बाबू कहीं इनका ट्रांसफर न कर दें, हो सकता है इनकी सैलरी भी रुकवा दें, तो ऐसे में वो सच्चाई बताएंगे नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार की फजीहत होते देख अब इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया है, और बड़ा एक्शन ये है कि त्यागराज स्टेडियम समेत दिल्ली के तमाम स्टेडियमों में 10 बजे तक अब एथलीट प्रशिक्षण ले सकेंगे, और वो 10 बजे तक स्टेडियम को खाली रखना चाहते हैं ताकि ये तमाम एथलीट उसमें प्रशिक्षण हासिल कर सके और कोई अधिकारी नवाब बनने की कोशिश ना करे। देखना होगा कि अब इस पूरे फैसले पर, सरकार के फैसले पर, तमाम आईएएस अधिकारी कुत्ते के साथ सड़क पर टहलेंगे या उसमें भी नवाबी का नया तरीका ढूंढ निकालेंगे। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।